नर्वस टिश्यू की बात की है तो नर्वस टिश्यू को मैंने यहाँ कंक्लूड कर दिया है भाई, पूरा नर्वस टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसमें न्यूरॉन्स या नर्व सेल होते हैं और ग्लियल सेल होते हैं, इनको न्यूरोग्लियल सेल बोल सकते हो, जो नर्व सेल या न्यूरॉन की सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। क्योंकि नर्व सेल और न्यूरॉन के अंदर डिविजन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, तो उनका बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है, तो सपोर्टिंग सेल उनका प्रॉपर ध्यान रखते हैं, समझना। पर अगर मैं आपसे कहूं कि नर्वस सिस्टम की टोटल यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। ये यूनिट ऑफ फंक्शन मैं लिख दिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो है नर्वस टिश्यू की वो न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स है। बट अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखूंगा तो मोर देन 50% जो होता है वो न्यूरोग्लियल सेल होते हैं, सबसे ज्यादा ये होते हैं। फिर भी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट न्यूरॉन्स या नर्व सेल होते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन्स या नर्व सेल होते हैं, ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ये खास बात है, ये ज्यादा होते हुए भी, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताई थी इनका नंबर कितना होता है, 10^11, वो वॉल्यूम के मोर देन 50% होते हैं। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है पर वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट नहीं है, ये एक्साइटेबल होते हैं। एक्साइटेबल समझते हो, जैसे किसी सेल को आप टच करो, जैसे मानो सेल को आपने टच किया, टच करने पर यहां पर डीपोलराइजेशन हो गया, इंपल्स आवेग जनरेट हो गया, फिर वो ट्रेवल करेगा। भाई किसने छुआ मुझे पता चला, क्योंकि ये सिग्नल सीधा मेरे ब्रेन में गया, ठीक है। तो ऐसे सेल जिनको टच करने पर, स्टिमुलेट करने पर जो डीपोलराइज्ड हो जाते हैं, जिनमें इंपल्स जनरेट होता है, जिसमें आवेग जनरेट होता है, वो नॉर्मल सेल तो नहीं होते, वो एक्साइटेबल सेल होते हैं। जैसे नर्व सेल एक्साइटेबल होते हैं, मसल सेल भी एक्साइटेबल होते हैं, तो ये क्या है, एक्साइटेबल सेल है, पर ग्लियल सेल एक्साइटेबल नहीं होते, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी यहाँ नहीं होती, ठीक है। ये क्या करते हैं ग्लियल सेल, ये न्यूरॉन का ख्याल रखते हैं, समझ रहे हो, उनको रिस्पॉन्सिबल, उनकी बाइंडिंग कराते हैं, ठीक है, उनकी पैकेजिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मालिन शीट की फॉर्म में, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं एटसेट्रा, ठीक है। नर्व सेल्स के लिए एक्साइटेबिलिटी नहीं होती, इनमें सेल डिवीजन होती है, कहते हैं ना इसको ब्रेन ट्यूमर था, पर आप ये भी समझते हो कि न्यूरॉन में डिवीजन तो होती नहीं है, सेंट्रियोल नहीं होता, तो ब्रेन ट्यूमर कैसे हो सकता है। ट्यूमर का मतलब था अनकंट्रोल ग्रोथ, जबकि न्यूरॉन के अंदर जो लार्जेस्ट सेल है नो डाउट 1 मीटर तक लेंथ होती है, इनमें सेल डिवीजन नहीं होती, तो ये तो ब्रेन ट्यूमर के रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो ब्रेन ट्यूमर जब भी होगा वो ग्लियल सेल में अनकंट्रोल डिवीजन की वजह से होगा, समझ रहे हो, क्योंकि यहां पर सेल डिवीजन प्रेजेंट होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन ट्यूमर। तो ये मैंने सारा मेन कंक्लूड कर दिया है, मेन पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्लियर है बिल्कुल। अब यहां न्यूरॉन और नर्व सेल के बारे में डिटेल में नर्वस सिस्टम में पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो यहां आकर के आपका टिश्यू वाला पार्ट एकदम बढ़िया तरीके से एंड हो जाता है। ओके ओके बेटा।